अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। और यहाँ पे लाखों संख्या पे मौजूद हुए और उनके मौजूद जी आज मैं यहाँ पे मौजूद कम से कम उनकी अंतिम स्थिति पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। विचार धारा के लोग हमारे बीच में आए, गुरु कुमार दर्शन करे तो कितना अच्छा होता है। हम तो देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए कभी उनसे, लेकिन जितना सुनते हैं उससे तो यही साबित होता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक। और हम लोगों को, हम तो कहते हैं कि वो दूसरा अवतार फिर लें और हम लोगों के बीच में हमें मार्गदर्शन। तो आप लोग की क्या सोच है कि जैसे सरकार पर्यावरण के बारे में मंदाकिनी की सफाई में करोड़ों रुपए लगाए हैं, तो जैसे आज इनका विसर्जन होना है तो क्या इससे नहीं प्रदूषण होगा? नहीं, ऐसे मतलब इनके साथ प्रदूषण वाली कोई बस्ती नहीं है, प्रदूषण वाली तो कुछ वही नहीं। तो लोग कहते हैं प्रदूषण हटाओ, मंदाकिनी में गंदा ना करो, तो आज अस्थि विसर्जन होगी तो क्या इससे प्रदूषण नहीं होगी? नहीं नहीं, उसमें अस्थि में क्या, दो फूल उसमें और कुछ नहीं है, केवल दो पुष्प जो है कि सारी नदियों में। कितनी नदियों में करना है? ये भारत के सभी प्रमुख हमारे पार्टी के लोगों ने, गणमान्य लोगों ने 108 जगह जाना है कलश ले लेकर के, तो वो कलश के माध्यम से उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है, उनके प्रति लोगों की आस्था है। ये कार्य हो रहा है, बड़ा सुंदर हो रहा है हमारे। तो कुछ अटल बिहारी के परिवार का कहना है कि पहले तो ये मोदी सरकार है या कोई भी हो, तो पहले इतना नहीं किए, अब जब हमारे पिताजी या कोई खत्म हो गए हैं तो अब इतना करने में क्या? हम तो समझते हैं कि उनका परिवार पूरा भारत है, पूरा भारत वर्ष के जन जन, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हर व्यक्ति उनसे आस्था रखता था, हर व्यक्ति उनका परिवार है। सरकार जो कदम उठाई है ये अस्थियां विसर्जन वाला, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है और चुनाव के मद्देनजर किया गया है और नदियों को ध्यान में इसमें नहीं रखा। अस्थि विसर्जन का काम जो वो चारों तरफ ये पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, इससे जो है अब उनकी आस्था में कुछ कमी आ रही है। हमारी सोच के हिसाब से इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा पूरे राष्ट्र ने उनको पूरा नमन किया है और उनके उनके चरित्र दर्शन को बहुत बहुत सराहा है। जब भी कोई अस्थि विसर्जन किया जाता है तो उसके आत्मा की शुद्धि के लिए मान करके कि धर्म में हमारे है उसका सिस्टम, तो अलग अलग नदियों में किया जाता है, बशर्ते ये भी सिस्टम है सही है कि एक जगह भी कर दिया जाए तो सब मिल करके लास्ट में गंगा सागर जहाँ भी लास्ट है वो पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी मान्यता हिंदू धर्म की ये है कि अलग अलग नदियों में अलग अलग जगह तीर्थ स्थानों पर किया जाता है उसकी आत्मा की शुद्धि। शासन का करोड़ों नहीं अरबों रुपये खर्च हो रहा है, जो क्योंकि 1.5 करोड़ वहाँ पड़ गया है, अरबों रुपए खर्च हो रहा है, अब हमारा क्या रहा है उसमें भाई? गंगा जी तो वही है, एक जगह गंगा जी में अगर प्रदूषित कर देते तो गंगा जी गंगा सागर में सीधे डायरेक्ट पहुंच जाती है भाई, गंगा सागर में सीधे पहुंच जाती, बंगाल की खाड़ी में लगी हुई गंगा जी, अगर वहां से हरिद्वार से जहाँ से निकलती उद्गम स्थान पर ही डाला जाता जो, और सब नदियां जाकर के गंगा जी में इधर समाहित हो जाती है। अब ये है कि उनके पास उनकी सरकारें हैं, उनका पैसा है भाई, कुछ भी करें, बल्कि वो गांव, वो हमारे देश के एक महान पुरुष थे और भाजपा के अच्छे नेता थे, उनसे जातिवाद से कोई मतलब नहीं था। नहीं, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, न तो सरकारी है, ये एक महान पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है,